सारे भैया ने राम राम भाई। अभिमन्यु मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और भाई आज हमारे साथ बैठे हैं हरियाणा का एक सुपरस्टार रागनी कलाकार, जिसने ये कैसेट कंपनी वाले नाम देवे हैं रंग काट का बादशाह। आज इस रंग काट के बादशाह से हम मुलाकात करेंगे। काफ़ी खट्टे और मीठे सवाल इनके लिए हमारे पास हैं, तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं महाशय नरेंद्र दादरी तो से। पंडित जी राम राम। राम राम मलिक साहब, राम राम। और ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो? हाँ जी मलिक साहब, दया आप लोगों की, दया भगवान जी की। तो पंडित जी, मैं चाहूँगा एक बार आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को अपने तरीके से। मलिक साहब, मेरा नाम नरेंद्र भारद्वाज है, मेरा गांव दादरी तोय है जो झज्जर ज़िले में है, झज्जर से फरुखनगर रोड पे, गुड़गांव वाले रोड पे, डिस्ट्रिक्ट मेरा झज्जर ही आता है जी। तो पंडित जी कितने पढ़े लिखे हो? मैं जी ग्रेजुएट हूँ। तो पंडित जी लंबे ठाडे थे, पूरी हाइट थी, तो घराले ने कितने पुलिस पहुँच गई वो ना लगाई गई दाब? मलिक साहब, दिल्ली पुलिस का टेस्ट भी दिया लेकिन इंटरव्यू में रह गए। मेरी पुलिस की इच्छा थी, दादा हमारे फौजी थे, आर्मी रिटायर्ड थे, तीन गार्ड के, फौज में एकला था, घर क्या ना जान की भेजने की कोशिश ना करी, वही एकला बालक से दूर भेजाएंगे ठीक ना रहेगा, थोड़ा मन में वैसा मान के कि भाई एक छोरा फौज में ठीक हो जाए। फिर फौज तो मेरी रूहानी भी टूट गई। फिर अपना पढ़ाई लिखाई करते टाइम मैं दुकान कर ली, फिर नौकरी ज्वाइन कर ली, दिल्ली इलेक्ट्रिकल लाइन में बढ़िया नौकरी करी। 2006 में आके वो नौकरी से भी मैंने रिजाइन कर दिया और फिर कंटिन्यू अपनी पार्टी बांध के गाना बजाना शुरू कर दिया, और साथ साथ मेडिकल स्टोर भी है अपना, वो भी चलता रहा। पंडित जी, ये जो गाना है ये कैसे मनवाया कि भाई मैं रागनी वगैरह गाऊं? जब मैं छोटी क्लास में था, चौथी पाँचवीं में, तो हमने जब तक शौक था गाने का, तो छठी क्लास में मैंने एक बार बाल सभा में एक गाना गाया था, हाथी मेरे साथी फिल्म का, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में तो खुश रहना मेरे यार। उसके बाद वो मैडम जी थी हमारी हिंदी की, मंजू मैडम, उसने भी कही भाई तेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तू गाया कर। उसके बाद ऐसा चस्का लगा मलिक साहब, अखबाल सभा होती रहती, हम शनिवार की बाट देखते, हर शनिवार तकरीबन हम कोशिश करते बाल सभा में गाने की। आठवीं नौवीं में आते आते रागनिया का चस्का बढ़ता चला गया, कुछ गांव के हमारे सीनियर थे वो अलग अलग फील्ड में सेटल्ड हो गए, उन लगी देखम देख हम रागनिया में आने लग गए, फिर कंपटीशन सुन जान लग गए, फिर यो रागनिया चस्का बढ़ता चला गया, यो फिर ना मेरा कद जिंदगी में बदल गया, जीवन शैली यो रागनिया रहेगी। तो पंडित जी आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु जी राजेश शर्मा जी हैं, मेरे गाँव के ही, वो स्वर्ग से धार गए नादान उम्र में, तो जी उनके खेत में जाकर हम रियाज कराया करते, उड़े मारा गाना बजाना हुआ करता, जब भी दो दिन में चार दिन में रात में गांव के 150 जने इकट्ठे हो जाया करते, शौकीन आदमी उड़े गाया बजाया करते। फिर एक दिन में रागनी गाने लग गया, तेनों बोले भाई तेरा गुरु कौन? मैं बोले भाई कोई नहीं, बोले भाई बिना गुरु का तो नुगराव है। मैंने राजेश जी आगे जाकर वहाँ में अपना सिर टेक दिया, मैं गुरु जी सिर पाथ दर्द हो, उन्होंने बोले अरे बतेरे गाउनी है और मार्केट में कलाकार बतेरे हैं, मगर ना आप चेला बना लो। बोला मैंने कोई जानता कौन है, मैं मन ने भी कोई ना जानता, और कदे टाइम आओगा परमात्मा की राज्य रही माई रानी का आशीर्वाद रहा कि मेरा दोनों ना जानने लग जा, मन ने फिर भी गुरु धारण करके उनका पगड़ी बांध दी मलिक साहब। तो पंडित जी कौन सा दौर था वो, कौन से सन की बात है ये? मेरा सबसे पहला रंग काट सुनील दूजानी के साथ 93 में हो चुका था, 10वीं पास मैंने करिए करी थी, 11वीं में था मैं। सबसे पहला रंग काट इसमें छावनी में आया था झज्जर में, सुरजीत मिस्त्री थे अपना, मोटर बाइंडिंग का काम था उनका, सुनील भी उस टाइम नया नया था। उसके बाद फिर दूसरा रंग काट मेरा बाली शर्मा जी के साथ आया, सुल्तान पर कंपटीशन, उड़े भी पहला कंपटीशन आया था। सबसे पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस मैंने जो बढ़िया कंपटीशन की हुआ है वो राजेंद्र सिंह खरकिया के साथ भी अपना पूर्णमल के मंदिर पर दी थी। उसके बाद फिर लगातार गाना बजाना चलता रहा। 95 में मैं दुजाना कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया, फिर भाई साहब की पार्टी में शामिल हो गया। 99 में मेरा ब्याह हो गया, 2000 में मैंने नौकरी ज्वाइन करी, 2000 में मैंने सुनील भाई साहब की पार्टी छोड़ दी।
पर बीच बीच में मेरी नौकरी इसी थी भाई, 10-15 दिन ड्यूटी बाहर के टूर ज़्यादा थे मेरे, मेरा कलेक्शन का ऑर्डर का मार्केटिंग का काम था, तो 15 दिन छुट्टी 15 दिन ड्यूटी। तो वे जो 15 दिन का मैंने जो टाइम मिलता उसमें जिसका भी प्रोग्राम होता मैं उनके ने बाज लिया करता। बाकी जिस तरह आज़ाद भाई है इनकी रागनी मैंने 95-96 में जब ये बाली शर्मा के ले जाया करते, जब मुंड कंपटीशन में एक रागनी सब तो पहले नई तरज थी उड़े उस टाइम नरेंद्र भैंसवाली अभी बढ़िया कलाकार में आया करता। जब मैंने इनकी रागनी गाली थी 97-98 में तो आज़ाद की मैंने कई रागनी गाली थी। किन किन कलाकारों के साथ ज़्यादातर रहे सुनील भाई के अलावा? सबसे पहले मैंने पार्टी ज्वाइन की श्री राजेंद्र सिंह खरकिया की, उनके साथ मैं रहा कुछ दिन। फिर उनके बाद दौर थोड़ा सा मैं मतलब जो दूरी थी वो भाई ज़्यादा हो गई थी, उस टाइम साधन भी कम थे, आज तो सोशल मीडिया ज़्यादा है, लेकिन फ़ोन फान की सुविधा उस टाइम घाटे रहा करती, तो बता दिया करते भाई फलाने दिन का प्रोग्राम है। उसके बाद उनकी पार्टी छोड़ने के बाद कुछ दिन मैं अपना खुद का अपना गाना बजाना करता रहा। 95-96 में सुनील भाई साहब एडमिशन लेने के बाद उड़े मैडम जी सुनील मैडम क्लर्क थी, भाई साहब का उड़ा आना जाना रहा करता। फिर एक दिन वो बोले पंडित जी तू गैल आ जाया कर, वहाँ ठीक है भाई साहब। फिर भाई साहब गैल जाने लग गया मैं। उसके बाद 2000 के बाद फिर पार्टी को ज्वाइन नहीं करी, 2006 के बाद फिर मैंने अपनी पार्टी बना ली और फिर परमानेंट गाना बजाना चलता रहा। आज की पार्टी चालू है? आज की पार्टी चालू है जी। उस टाइम में राजेंद्र जी का एक्सीडेंट हो चुका था, भाई साहब से वो रिश्तेदार लिए थे। मास्टर जी सतबीर जी का बड़ा ज़बरदस्त दौर था, आज़ाद खंडेल की मार्केट भी ठीक थी, इनके अभी नई फिल्म आ गए, नए गाने बड़े चल रहे थे। दांगी साहब थोड़े लेट आए, जितेंद्र पटानिया की भी सही हवा थी, भाई वीरपाल सिंह खरकिया की ठाडी हवा थी, और जो पुराने कलाकार दयानंद भाई भी रंग तो जो एक आधा ले आया करते ढूंढ के, पर वो ले आया ऐसा करते वो भी आर पार का ले आया करते। तो ये मेन कलाकार बाली शर्मा जी होए, वीरपाल जी होए, राकेश कलोया, भाई आज़ाद खांडा खेड़ी, जितेंद्र पड़ानिया, सत्य फरमानिया, मास्टर जी की थोड़ी लाइन अलग थी, कंपटीशन लाइन तो हटके थे वे, पाले राम जी मास्टर जी, ये अपने न्यारे हिसाब किताब तो रहा करते। फिर उस दौरान में सहज सहज बिल्लू भी एंट्री मारने लगे था, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने याद है बिल्लू का प्रोग्राम पहला कलोई मेर झज्जर में करवाया था, उसके बाद बिल्लू ने भी अपनी छाप छोड़नी शुरू करी। फिर एक दो और नए कलाकार अभी आए, फिर तो उसके बाद थोड़ा सा और चलता रहा दौर। इन सब के साथ जो आप रंग काट के बाद से मानने जाते हो, आपके को लोग कहते हैं, तो इनके साथ रंग काट हुए? मास्टर जी के साथ मेरा जीवन का सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रोग्राम रहा। एक प्रोग्राम था तावड़ू गांव में, उस टाइम हमारी पार्टी में 7 पंडित जी थे, तो लोग उन्हें कह दिया करते भाई यो आ गई रावण वाली पार्टी, बावण वाली पार्टी। उस प्रोग्राम में 22-23 रागनी मैंने गाई थी, 25 रागनी मास्टर जी ने गाई, एक दो साजना, मतलब 50 रागनी प्रोग्राम था वो। तो मास्टर जी ने थपकी मार के या बात कही भाई पहली बार कोई सा बालक टकराया जिसने सारी रात मैंने सुरा पर मेरे गेल्या गाना गाया। बाकी पाले राम जिया गेल्या, बाबू राम जी गेल्या, बाबा ओमपाल बहुत सुपरस्टार कलाकार हैं खरक से, ओमपाल सिंह खरकिया, उनके साथ, भाई वीरपाल के साथ, राकेश के साथ, रणवीर बुडवासनिया, दयानंद खेड़िया आसरा, महावीर चोपड़ा, जगवीर कारोरिया, आज़ाद खांडा, और जो नए दौर के भाई बिल्लू हो गया, सुरेश अडोली हो गया, और बाद में जो है बाली शर्मा जी, इनके सब के साथ, नीलम के साथ, पासी के साथ, सरिता जी के साथ, तकरीबन जितने भी जो हरियाणवी कल्चर के करीम हुए हैं उनके दौर में मैंने छोड़कर, राजकिशन जी, भाई रमेश कलावड़िया जी हैं, सब के साथ लगभग लगभग गाना गाया। जिसके साथ रंगकाट नहीं कराया उनकी मौजूदगी में गाना गाया तो उन्हें न्यू जरूर हुई भाई कुछ गाव है। और शायद मैंने इस बात पर कहने में बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसा कलाकार हूँ हरियाणा में, वन एंड ओनली, जिस कलाकार को साजिंदा ने और कलाकार ने सबसे ज़्यादा रिपीट दिए होंगे। मेरे रंग जब होया करते तो साजिंदे भी दूसरे कलाकार भी गाड़ी में आराम करने की बजाय न्यू ध्यान रखा करते, आज देखियो के कहा होगा। राजेंद्र जिया ने भी, बालकिशन जुए वाले ने न्यू कहकर रिपीट दे रखे, तू पर दूसरा कलाकार ही सामने के, तो राजेंद्र ने रिपीट दिए हैं,
हर के तिरते दे रहा उन्होंने से जीर पी दिया नहीं करूँ। इसका मतलब जो वे जो खान साहब हैं हमारी लाइन के, जब वो पैसे दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ था। जैसे यूट्यूब पर कोई भी कंपनी वाला आपके प्रोग्राम डालता वो लिख देते हैं रंग काट का बादशाह। आज मैंने भी 3-4 बार कह लिया, राज्य तो आप पूरे हो गए, एक अलग सा टाइटल, बढ़िया टाइटल मिला है, आप क्या कहोगे अपने इस, मतलब लोग जब ये चीज़ें लिखते हैं। असल में मलिक साहब, मैं गाना जो है वो मेरी रूह में बस चुका है। मैंने सूफी गाने पसंद हैं, और आप मेरे रंग काट सुनोगे या ज़्यादातर मेरे रंग सुनोगे तो उसमें 150 और ज़्यादा मिलेंगे। और मैं कलाकार भी उसने मानू हूँ जो हारमोनियम प्ले कर सकता हो, बैंजो प्ले कर सकता हो। कुछ मार्केट में इसे भी गाओ नहीं है भाई हैं जिन ननुआ नहीं बेरा वे तार न्यारे न्यारे हैं, अब भाई मिल रहा है कि कौन से सुरत बजना चाहिए, तेरी आवाज़ गड़े काम करे है। इसमें अहंकार वाली कोई मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भाई कदी ने सोचा अहंकार की बात है। तो कोई भी गाना हमने गाने से पहले पहले उसका रियाज कराया, बहुत रियाज कराया, और जो उस्ताद लोग मैंने टकराए वे ज़्यादातर इसे मिले जो मेरे से ज़्यादा सीनियर थे, मेरे से ज़्यादा अच्छे थे, जिन्होंने मेरे को सिखाया कि भाई ये गाना ऐसे नहीं, इसमें यो फिर बदल करांगे, योगा योगा। और हर प्रोग्राम में हमारी एक कोशिश रहा करती कि एक तर्ज नहीं तो गाँव है गाँव। लोग क्या करते भाई पुरानी गाओ पुरानी गाओ, पुरानी भी गाते लेकिन जो चीज़ मास्टर जी ने गा दी उस तर्ज न उस रागनी ने हम सुना तो लोग कंपेरिजन करने लग जाया करते, भाई मास्टर जी वाला स्वाद नहीं आया चाहे हमने कितना भी अंगा ला दिया हो। तो अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए रागनी पुरानी तर्ज नहीं, या कई बार ऐसा भी होया कि रागनी भी नहीं और तर्ज भी नहीं, दोनों को लोगों ने स्वीकार किया, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। रही बात रंगकाट के बाद से कि ये तो सब आप लोगों का बड़प्पन है, प्यार लगा लो, हम भी आप लोगों के फैन हैं। बहुत से गाँवनिया ऐसे हैं, राजेंद्र जी हैं हम राजेंद्र नहीं बन पाए, मास्टर जी हैं हम मास्टर जी कभी नहीं बन पाएंगे, भाई सत्य फरमानिया जी हैं साक्षात माँ सरस्वती का, उनकी ठाम है माता रानी का वास है, तो हम उनके बड़े भगत हैं, बाबा ओमपाल हैं। ऐसी ऐसी देसी तर्ज गा देंगे, हमारे तो बहुत ज़्यादा उम्र बड़े होने के बाद भी, बस कुछ आशीर्वाद जो हमारे भाग का था हमारे हिस्से का तो पब्लिक ने मारते भी दिया। और आश उम्मीद है कि इतना गायन शैली में रहा, गायन विद्या इतना बड़की से, इतने लोगों का आशीर्वाद प्यार सम्मान मिलता रहे, बड़ी खुशी मिलती है कि भाई हमने समाज में कुछ कराया। जैसे आप मेरे इंटरव्यू देखते रहे हो, मैं एक सवाल पूछता हूँ, हर किसी का कोई ना कोई बेस्ट होता है, जब नया उठा तो सोचे इसके जैसा बनूँ, यो पहलवान एक नंबर का है, मैं भी साहे बनूँ, तो आप क्या समझते थे, आप किसको अपना बेस्ट अपना आइडल मानते थे? श्री राजेंद्र सिंह खरकिया को मैंने फॉलो किया, उनकी गायन शैली, उनकी वॉइस क्वालिटी, उनकी फेस वैल्यू, उनका एटीट्यूड, सब कुछ मैंने पसंद रहा, मैं उनका बड़ा भगत रहा। हालांकि मैंने कभी उनके मुंह पर बात भूली नहीं, शायद वो इंटरव्यू के माध्यम से सुन लें। पहले मैं राजेंद्र जी को बड़ा फॉलो करता था, बाद में मास्टर जी भी मेरे गुरु समान रहे, मैंने उनको एक शिष्य बनकर हमेशा उनकी सेवा करी, उन्होंने भी मेरे को शिष्य की तरह अपने बच्चे की तरह भाई, हो सकता है मैं ये कह दूँ गलत लगे लेकिन भाई संदीप से भी ज़्यादा मरता प्यार कराया, सदा आशीर्वाद दिया, सच्ची राह दिखाई, अच्छी बातें बताई, सदमार्ग दिखाया। राजेंद्र जी, सत्य फरमानिया जी, मास्टर सतवीर जी, मैं इनका बड़ा ज़बरदस्त फैन हूँ। जैसे हर कोई अपनी जीत बताता है, मैं उड़े जीत्या, मैंने उड़े रंगकाट में वो रा दिया, मैंने नू कर दिया, मैंने नू तर्ज गा दी, अपनी डिंगे तो सब हाँकते हैं, तो उसके अलावा कुछ खास जहाँ जीतते जीतते हार गए हो, जहाँ रियल में आपको जीत कभी हार महसूस हुई हो, ऐसे कोई लम्हे? ये विवादित प्रश्न आपने पूछ लिया, चलो मैं इसके जवाब दे देता हूँ। एक कंपटीशन हुआ था परनाला, जिसमें हरियाणा के नामी ग्रामी कलाकार थे, और वो प्रोग्राम फिक्स प्रोग्राम था, जो लोग इंटरव्यू देखेंगे वे इस बात में समझ जाएंगे फिक्स करने वाले कौन थे। बिल्लू, रमेश कलावड़िया, दयानंद खेड़िया आसरा, जितेंद्र पुराणिया, अमित मलिक, और भी सुमित भी था, और भी एक दो कलाकार थे। होते होते
चार टीम रहेगी, चार में मन ने सुमित हरा दिया, जितेंद्र ने उसका साथी कलाकार था वो हरा दिया, फाइनल में रहेगा मेरा और जितेंद्र का। लास्ट में वो बात ला दी भाई तू फाइनल होगा थारे तीना का, मैं बोले यार सेमीफाइनल में तो हम जीत रहे हैं दो जने, फिर फाइनल तीना किस तरह हो जाए, जो सेमीफाइनल हार चुका है उसको आप फाइनल में कैसे लड़ा रहे हो। रिकॉर्ड ने ले जाएगा, बोले भाई पंडित जी मजबूरी है। और फिर जितेंद्र को भी फाइनल में सेमीफाइनल में हारने वाले से कलाकार से हरवाया गया और जितेंद्र ने सेकंड इनाम लिया। हालांकि मैंने जितेंद्र को भला बुरा कहा, मैं उतना सेकंड इनाम नहीं लेना था क्योंकि जितेंद्र की हमारी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री मैच करती है। तो एक ये विवादित था, मैं मैंने भाई उस टाइम उस तो दो तीन दिन पहले मैंने गाड़ी ली थी नई इंजॉय, ये बात है 2013 की 31 दिसंबर की। वो बोले भाई बता के माँ भाई एक काम कर लियो, जो मेरा हिसाब किताब बनता हो दे दो, ना खाम खा और किम करांगे तो गाड़ी का बाठे बूठे मार देंगे, खाम खा बड़ी मुश्किल आते ली गई है। मैं अपने पीछे पैसे ले गए, मलिक साहब बुढ़ी तो आ गया। ऐसा एक प्रोग्राम होया सिसाणा में, उस प्रोग्राम में भी मैं विनर था। लास्ट में मेहर डांगी साहब फाइनल में थे और कलाकार पीछे हट चुके थे, उसमें राजेंद्र जी थे, दिलेर था, अमित मलिक था, डांगी साहब थे और एक दो कलाकार भी थे। लास्ट में डांगी साहब का मेरा फाइनल था, पाले राम उसमें जज थे, दादा सरदार सिंह मेहर सिंह जी के चेले कृष्णचंद जी हुए, उनके चेले सरदार सिंह हुए, जिनकी रागनी है माँ का राजना बाप की चौधर प्यार रहना भाई का। हालांकि इस पर छाप दादा मेहर सिंह की लगाओ, लेकिन ये रागनी सरदार सिंह जी की, वे भी उड़े मौजूद थे। फिर इन आखिर में वो गोंगदा करके बोले भाई कलाकार घाटा रहे थे, यो गदा फेर देंगे। मैंने न्यू भी कही, मैं बोले अरे गदा फेर और नहीं आओगी जब कलाकार और बद देंगे थे। वो कुल मिलाकर रोड़ मोड़ मचवा कर वो मामला उड़े। तो उस दिन मैंने एक सबसे जो बड़ा जीवन में मेरे को सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाला था नारनौंद कंपटीशन, वो इतना टुच्चा और घटिया फैसला था जिसमें कि हम 2 बजे विनर हो चुके थे, उड़े भी एक दो जज ही थे। अब भाई उस टाइम तो वे जज थे, वे इस चीज़ ने भूल गए कि जज का काम क्यों, फूक बहुत बड़ी चीज़ हो मलिक साहब, फूक लाग रही थी कान्ना में और नाम उड़े विजेता घोषित नहीं करे। हालांकि उड़े हमने एक दो अपशब्द भी कहे 6 माह के, पर फिर हमने न्यू सोच ली भाई परमात्मा इस चीज़ का कितने ना कितने न्याय करेगा। ये तीन प्रोग्राम जिंदगी में जब भी याद आवे तो हृदय में टीसी पहुंचे। और कितने जीते हो और उड़े नु लगे होगा आड़ में जीत रहा हूँ लेकिन आड़ तो मैं हार रहा हूँ, रियल में मन तो नो है मैं हार रहा हूँ लेकिन जीते जीत मिली हो। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होया मेरी याद में, ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा, बराबर बराबर रह गए। जड़े महसूस होया भाई अगला भी मारता है, सवा शेर पड़ा था। एक कंपटीशन था लोहारी बागपत्ता गए, उड़े मैं बाली शर्मा जी बिल्लू नरेंद्र दांगी और पाशी, 2 दिन प्रोग्राम चलिया। अरुण ने भी बड़ा स्वाद लिया वेरिया ने, एक एक राउंड गवा के 2 रागनियाँ फिर। और उस दिन माँ सरस्वती का इतना वास, उस पृथ्वी पे इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी उस एरिया में, जौन सा भी राउंड गावे उससे के बाद नहीं हो जाए भाई यो जीत गया, उस ताग लावे वो गावे बोले भाई यो जीत गया। एक उड़े शील्ड थी 5100 रुपये थे और तड़के के 9 बजा दिए वेरिया ने, आखिर में न्यू हुई बोला भाई फैसला करो किस बड़ करोगे, बोले भाई न्यू करो यो शील्ड पासी ने बोली शील्ड तो मेरे थे दे दो रुपया न तुम बांट लो। वो फिर रुपये इशे कर दिए गए, इसे प्रोग्राम कई हुए जड़े फैसले नहीं हुए और हम बराबर बराबर। फिर मैं तो न्यू कह दिया था जड़े शर्मा जी होया करते, बिल्लू और होया करते, रमेश होया करता, रमेश भाई साहब मलिक साहब तो पहले मैंने कह दिया भाई तो दादरी वाले दे दो मेरे नाम का, मैंने न्यू बहाना मिल जाता भाई मैं तो छोटा हूँ, छोटा पहला हिस्सा है, हंसी मजाक चल जाया करता। लेकिन काफ़ी ऐसे यादगार प्रोग्राम रहे जड़ा फैसला नहीं और उस हम बराबरी वाले फैसले तक संतुष्ट रहे। जैसे भाई आपने कहा चीटिंग हो जाती थी भाई, आप विनर हो या कोई और विनर है लेकिन इनाम किसी और को दे दिया जाओ था, तो पब्लिक का क्या
रिस्पॉन्स रहा करता? पब्लिक ने तो सच्चाई पता ही थी। पहले जो पुराने दौर के थे, जिस तरह राजेंद्र भाई के और सुनील भाई साहब के प्रोग्राम, उस टाइम तो लोग बाग ले जाया करते ठेली भर भर गए, गामों में भी चले जाया करते। ई वो चीज़ तो रही ना, पब्लिक ने यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगा। तो ये कंपटीशन दो तीन ही से रहे, इनकी रिकॉर्डिंग आज तक आई ही नहीं। अगर भाई यो पहला राउंड किसने गाया, दूसरे उसमें रंग काट में किस किस की जोड़ी बनी, फिर किस किस की ऊँ तो गदा च किसे दे दो, फरसे किसे दे दो। लेकिन जो लोग जानने की इच्छुक है कि यार ये हो कैसे सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबिलिटी शो नहीं कर पाए। कई ने तो फिर राख का अपने घर न धर ली, कई ने डिलीट मार दी। कुछ पिट्ठे होते हैं, कुछ मजबूर होते हैं, कुछ कठपुतलियाँ होते हैं। अब वो जाए तो जाए कहाँ, वे रिकॉर्डिंग आज तक अदृश्य हो गई, गुमनाम हो गई, गुमनाम गलियों में खो गई है। एक सवाल है तगड़ा, जो मैंने भी कई बार महसूस कराया है और आपने भी राय है, पब्लिक भी जाना है, कॉमेंट में भी आते हैं और मैं कॉमेंट पढ़ के ही सवाल लेके आता हूँ। मैं पर्सनली के किसी से मिल लूँ, कॉमेंट पढ़ूँ, पब्लिक के चाव है। जब आपके सामने कोई रंग उठा देता है, मान लो मैंने रंग उठा दिया आपके सामने कंपटीशन में, वो चाहे किसी तरह से गाओ, जब नरेंद्र शर्मा दादरी तो उठता है तो उस तरह कोई नकली बताता है, ये तो नकली असली तो मैं गाऊंगा। क्या होता है मलिक साहब, देखो असल में के कुछ से जो हमारे हरियाणवी कल्चर के जो कलाकार हैं उनमें कुछ भाई तो ऐसे हैं। अब जैसे मैंने राजेंद्र जी का नाम लिया, मास्टर जी का नाम लिया, सत्य फरमानिया जी का नाम लिया, मुनिगर भाई हैं, और भी बहुत भाई हैं। कुछ कलाकार तो ऐसे हैं जो तर्ज है ना उसने परमात्मा की शरण में भेजते हैं, भाई गाया। कुछ मेरे भाई इसे हैं, उन्होंने नुआ नहीं मेरा, यो गढ़वा कड़े उतर रहा, आयुष का कड़े कसना है, बंजू कड़े बाज रहा, वो तर्ज ना बना दिया अपने घर की। तर्ज तो गा दी लेकिन उसका कान की जगह नाक ला दिया, मुंह की जगह हाथ ला दिया, टांग की जगह पंजा या गोड्डा ला दिया। फिर उनको समझाना पड़ता है, बेटा मंदबुद्धि ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगी। और सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन में उतरना, चाहे पहलवानी में उतरो, चाहे गायकी में उतरो, चाहे आप बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हो, मन के हारे हारे मन के जीते जीते, जब तक आपके हौसले बुलंद है ना, आप ये अपने आप के अंदर ये रखोगे कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा तो ये हो जाएगा, तो आप विनर हो ऑलरेडी। और मैंने बहुत से ऐसे कलाकार देखे हैं कि उनके दिमाग में नुआ जाएगी ना, फलाने के लिए रंग काट है, व्याज दे दो उड़े टूट लें, वो बेचारे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, अपनी तर्ज भूल जाएंगे, लैस और खो देंगे, डिप्रेशन मान जाएगा, दया बीपी हाई हो जाएगा, दया लो हो जाएगा, वे आज दे दो नहीं उम्र जाए। फिर वो पब्लिक कुछ फैन मारे भी होंगे, न्यू मान जाए इन्हें लो आज, दो चार अपने बचाव के लिए पॉइंट भी मारने पड़ जाए, वे सक्सेस हो जाए। जैसे फिर ये तो फिर हर बार ही आप बोलते हो आप कुछ नहीं, इसने नहीं गाया मैं गाऊंगा, तो हम वहाँ उससे ज़्यादा अच्छा गाने की कोशिश करते हैं, फिर गा नहीं पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने बचाव में भाई डिफेंड तो करना पड़ेगा, अगला बाउंसर मार रहा है और कर मार रहा है, तो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कई बार भाई डक आउट भी होना पड़ जाए। लेकिन उस चीज़ का फिर हम ये सोचते हैं कि हम किस कारण ये हमको डिफीट कर पाया, किस कारण से हम हारे। क्योंकि देखो संगीत इतना गहरा सागर है कि बहुत ज़्यादा गाने, बहुत ज़्यादा तर्जे, बहुत ज़्यादा राग हैं, और हमको विशेष सिक्योर्ड भी नहीं, भाई सुन के सीखते रहा। लेकिन हमारे संगीत में रुचि है, सुन सुन के जो कुछ सीखा है, जो सुन लिया उसको सीखने की कोशिश की। कुछ राग ऐसे होते हैं कि एक राग के दो चार गाने, 10-20 गाने, 150 गाने होते हैं, वे तर्जे सिमिलर होती है, मिलती जुलती होती है, और अगला गाउन या बेसुरा भी हो उसका दिमाग में नुआ नहीं आने देगा, चौथी के लिए यो गाय के रहा है, अगला वो बात से छोड़ ठिकाना नहीं चाह रहा था, उसकी गहला के गाओ आदमी। हाँ अब जैसे सत्य फरमानिया, उसने को तर्ज गाई, क्लियर तो गा दी, उड़ स्वाद है, अकबाई अगला स्त्री गा रहा है, वो सुनकर फिर रंग बन में भी मजा है। अगला कई बार ऐसा गा दिया वो भाई, फिर उसका ना तो लय ना हो, और फिर घनघरे से कलाकार इसे टेक इसी बना लिया होंगे मेरी, अब उसका न्यू नहीं बेरा जो के एम पी आई वे जितनी टेक पा जाएगी, फिर वो कली। कुछ कलाकार कंपोजिशन बनाते हैं जहाँ म्यूजिक बनता है, म्यूजिक बज रहा गाने में,
उसमें भी वर्डिंग जोड़ दी वो दिस इज नॉट फेयर, ये न्याय नहीं है, गलत है भाई, आप गाना गाओ प्योर गाओ, स्केल का गाओ, उसमें फूल पत्ती लगाओ, गरारी मारो, मुर्की मारो, वो तो गाना। और जो आप हरकत कर रहे हो वो है जात खराब करना, अगले के लत्ते तारना। तो मैं लत्ते तारने की बजाय गाने में विश्वास करता हूँ। आप भी तो कहते हो कि भाई नरेंद्र का रंग जो गाओगा वो अपनी जात खराब कराओगा, ये बात तो आप भी को। मैं गाना जो भी गाता हूँ वो तर्ज से हटकर कभी नहीं गाता। मैंने नू पता है जिस कलाकार के साथ मेरा रंग काट होता है मैक्सिमम मैं होमवर्क करके जाता हूँ कि यो अगर कलाकार मेरे सामने गाना गाएगा तो ये क्या गा सकता है, उसकी वीकनेस क्या है। अभी आपने इब्बे जो कहा मैं तर्ज से हटकर नहीं गाता हूँ, लेकिन मैं इस बात से मैं एग्री नहीं हूँ। आप बताओ कोई। अभी आपने पीछे शायद 2-2.5 साल पहले एक गाना गाया मासे राजेश खन्ना पेटवाड़िया जी ने ब्याह को उसको बताया ऐसे नहीं ऐसे, सुरेश निंदानिया पे वो रंग उस टाइम पर नहीं भरा गया, चिट्ठी लिखूं वो प्योर कंपोजिशन नहीं हो तो आप बताओ। यो भी मैंने मेरी कंपोजिशन मैंने जो कहा आप वहाँ हो, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। असल में यो रागिनी मृत है जिसकी यो बनाई ओड है, उसने यो रागिनी मृत है खन्ना पेटवाड़ से पहले दे दी थी, जिस टाइम गुगन सिंह के खन्ना भाई के कुछ ज़्यादा क्लोज रिलेशन नहीं थे, उस टाइम गुगन सिंह ने मारा था, कई रागिनी दी और मैंने उनकी कई रागिनी गाई। तो कुछ रागिनी ऐसी है जो मार्केट में आज भी मैंने गा रखी हैं, लेकिन उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये 2010 से पहले पहले की बात है। और उससे पहले जो रिकॉर्डिंग होया करती है ना वे भी बड़ी सिफारशत होया करती है, जिसकी आवाज़ उसने तो बेनिफिट था, जो नयापण है किते किते उड़टाल होया करती। यो कंपोजिशन मैंने ऐसी गाई जिसका गाना आज तक मैं उस गाने से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूर्ण रूप से जिस तरह उसने गा रखा था वो गाने की कोशिश करी, अपने घर से कंपोजिशन तैयार नहीं करी। और उसके बाद शायद मैंने ऐसी कंपोजिशन गाई भी नहीं होगी, और उससे पहले भी शायद मैंने नहीं गाई होगी, ये आप मेरी गलती लगा लो या ये लगा लो, ये एक भाई हथियार था। अगर भाई लंबी तर्ज है, शायद सुरेश का यो तर्ज याद नहीं पाओगी, और सुरेश भी एक ऐसा है वो छोटा भाई लगा लो यश की तरह, उससे भी बहुत प्यार करा हम, उसकी कैपेसिटी तो बाहर की बात लग गई थी, अगर भाई शायद यो रंग इसने ना होगा, और रंग खराब करने की बजाय इससे न लपेट दे वो बीच में। फिर राजेश ने भी बोला बेटा ये ऐसे नहीं थी, असली तो तन्ने भी नहीं गाई, असली तो हम राजेश को भी चैलेंज नहीं कर सकते, क्यों वो भी घर की तरह राजेश की होगी कि गुगन की होगी, हम तो पड़ोसी हो गए, अब वो कितने फिल्म में ओरिजिनल गाना चल रहा हो तो हम कह दें भाई ना फर्क से, अब वो उन्हें कैसे सेट करी कैसे नहीं करी, हमने उन की सुनकर गाई वो। अच्छा जैसे जब आप रंग काट गाते हो, पहले तो आप मेरे सवाल का जवाब दो, आप क्या समझते हो क्या है रंग काट? रंग काट ये है आप कोई भी रागनी गाओ उसने ऐसी तरज पर सेट करके गाओ कि पब्लिक को मजा आए, और सामने वाले तो अगर रंग नहीं भरा जा तो उन्हें गैल गैल खेचे नहीं, फिर उसने बैठा दे अगले दिन कब आके भाई हाँ भाई भरा है भाई मैंने नहीं आता, ठीक है भाई तू अपनी चारुकली पूरी कर, और उस रंग में पब्लिक ने भी मजा आवे, ये तो है रंग काट। लेकिन ऐसा होता नहीं। देखो जी वही बात है, कितने बढ़िया कट्टा बीज लिया हो बथुआ भी जामागा जही भी जामेगी, कुछ शरारती तत्व तो ऐसे हैं जो घर तक एक दिन की छुट्टी ले जाओ दिन पूरे करने, उन्हें तो किलकी मारनी है खीर में मुसल मारना है, कई जगह कमेटी ऐसी हो जाती है कि उनकी मेजोरिटी में डिफॉल्ट आ जाए, आपस में तार खिंड मिंड हो जाए, उनका ताना बाना बिगड़ जाए, फिर विनू होता है यार ईब का तो प्रोग्राम करा लिया किसी तरह निमट जाओ, भगवान निमटवा दे आगे हम टाल कर देंगे। लेकिन होना यही चाहिए भाई, एक रंग किसी ने नहीं आया, जब उसने हार स्वीकार करे ली तो फिर बच के गया, फिर उसको मौका दे दो, अगला नुका भाई मैं गाऊंगा कोशिश करूंगा इसका 20% 50% मेरे याद से भरूंगा, तो गैल लगाओ, अगला गा रहा कितने वो गा रहा कितने उसका तो फिर फायदे के जी। तो ये रंग काट जिसमें, और ये भी होना चाहिए कोई भी गाना गाओ एक गाने की किसी की भी तर्ज गा दो मजा आता है,
अब मास्टर जी ने भी बहुत तरह की गा रखी। मास्टर जी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फिल्मी गाने वाले मास्टर जी हुए। उनका फेवरेट क्या था, मांगेराम जी, दादा लक्ष्मी, दादा मेहर सिंह और पुराने कवि राम कुमार की भी मास्टर जी ने बहुत रागनी गाई। लेकिन वे जब गाते थे, जब वो तर्ज से संतुष्ट हो जाते थे रागनी से। अब कुछ तर्जे ऐसी हैं अब जो उत्साह भरी होती हैं, शादी के मतलब की होती हैं, पार्टी के मतलब की होती हैं, कुछ गमगीन तर्जे होती हैं। घणखरे कलाकार के करेंगे गाना तो ले लिया जन उम्र घटका हो, आधी उम्र रहा हो, रागनी ले ली ब्याह की, ब्याह शादी आज घर चले जाए, उन बेचारे ने अंदाज़ा लाना चाहिए। बोल के अनुसार तर्ज होनी चाहिए, ये चीज़ अगर रहेगी, बोल भी बढ़िया तर्ज भी बढ़िया, तो उसकी एनर्जी भी अलग होगी, स्वाद भी आओगा। बोल अलग है, तर्ज अलग है, वो फिर खराब माटी करने वाली बात है जी। आज जैसे भाई मान लो रंगकाट है, आपके रंगकाट साथी भी हैं बहुत सारे जो रंगकाट पसंद करते हैं गाना, आप किसके साथ अपना कंपटीशन सबसे ज़्यादा मानते हो आप? जब फलाना आवे तो शायद मैं चैलेंजिंग गाना चाहूँगा, या वो भी कुछ ना कुछ अपने तीर कमान ले कर आओगा? देखो कुछ कलाकार ऐसे हैं, अब मान के चलो मैं अपने आपने पुराने में मान लूँ या नया में मान लूँ, तो मेरे हम उम्र हैं। अब जैसे भाई जितेंद्र पठानिया है, वो बड़ी कोशिश करते हैं और बड़े अच्छे कलाकार हैं, मेरे से सीनियर कलाकार हैं। उनके आगे कुछ भी गा दो, हंसते हंसते गले लागे रहेंगे, ना बुरा मानना। सुरेश निंदानिया है, दादा दादा करे जागा और जात पीटे जागा, भाई दादा देख न्यो नहीं न्यो नहीं। ये दो कलाकार ऐसे हैं। मुनिगर है, बहुत अच्छी कोशिश करता है। अब एक तो होती कोशिश और एक से अगर तैयार के लिए पूरी करनी है, बल्कि कई जगह था ऐसा भी देखा हमने, आजकल नया सिस्टम चला दिया, बोले एक एक कली का रंगकाट होगा। क्या हुआ भाई रंगकाट, तुम तो अपना स्वाद ले रहे हो, इसका मतलब गाने के साथ खिलवाड़ कर दिया। और मज़े की बात बताता हूँ इसी प्रोग्राम के, आपके चैनल से अभिमन्यु मूवीज़ के माध्यम से मैं बताता हूँ मलिक साहब आपको, गाना और राजनीति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राजनीति टोटल बेईमाना है और गाना परमात्मा की इबादत है, ईश्वर की भक्ति। लोग इसने मिक्स कर रहे हैं जबकि इनका कोई मिलन ही नहीं है। गाने में भी राजनीति, मेरा नंबर इस टाइम दिए, मेरा रंग काट उस तक करवाइए, क्या मतलब है भाई? पैसे आने लग गए, एक रागनी और गाऊंगा, ये तो मैं गर्म होया हूँ। थोड़ी देर पहले जब तेरा नंबर बोला, जब तू आन की चाल कर रहा था, बड़ी चीज़ें हैं ये। और बड़े बड़े जो अपने आप ने मासी जी का वहाँ है, वे इन सब में लिप्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपना नहीं देखना चाहिए, सबको बराबर का आँख है, सबको समान रूप से आप इज्जत देनी चाहिए। क्योंकि वे आज जूनियर है, कल भी सीनियर भी होंगे, कल उनके भी कोई जूनियर आएंगे, वे भी गाड़ी का भाड़ा ला कर आ रहे हैं। ऐसा भी कोई कलाकार है जो एंट्री मारना रहा, उसने उसकी कला दिखाने का एक बार मौका तो दो। वो नंबर ऐसे टाइम दे दिया के तो पब्लिक जमी नहीं थी और के फिर पब्लिक बची नहीं, वो बेचारा क्या करेगा? तो ये जो सीनियर कलाकार हैं, इन सीनियर कलाकार हैं ना, ये मानना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। रही रंगकाट में आज प्रतिद्वंद्वी की, तो भाई सुरेश निदाणा कर्मठ जुझारू, वो कह दिया ना कर्मठ जुझारू, विकास निडाणा बड़ी अच्छी कोशिश करते हैं, और राजेश खन्ना पेटवाड़े साहब के तो कहने के हैं, वो भी बैरी साए हैं, टीचड़ की तरी अर्थनेटी हम चिपटे हैं, आ जाए भाई अगले ना बड़े बड़े करे करें और की मैंने तो नकल मार मार करेगा। ये कलाकार सारे ऐसे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और अच्छा गाने की कोशिश करते हैं। आज हरियाणा का सबसे सुरीला, सबसे डिफरेंट अच्छा गाने वाला, सबसे सुरीला कलाकार आज आज के दौर में नरेंद्र दादरी तो एक किसने माना है? मुनिगर पापड़ा। क्या क्वालिटी है उसमें? उसकी एक तो उसकी जो उसका जो ठहराव है, उसका कारण मैं बताता हूँ, शायद कुछ भाइयों ने नहीं पता होगा। मुनिगर भाई मेरी पार्टी में भी 6 महीने रह रहे हैं बैंजू बजाने में, सुरेंद्र भाई साहब भी मेरी पार्टी में 5-6 साल रह रहे हैं। मुनिगर भाई साहब ने मास्टर जी की भी कई साल संगत ले रखी, मास्टर जी दोरे भी साज बजा रखे, आज़ाद भाई दोरे भी, बाली शर्मा दोरे भी, तो उनका अनुभव है। तो फिर उनकी जो वॉइस क्वालिटी है, वो स्केल उनका जो हाई पिच है वो बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो उनका अनुभव, ऊपर से आवाज़,
ऊपर से सुरीला। और एक खास बात, नशे पते थे भी दूर, आवाज़ टूटा कम है, आरी बीमारी की तो बात अलग है। वो गाने को रियाज करके गाते हैं जहाँ तक मेरा सोचना है, क्योंकि जो आदमी इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है उसको ये तो पता है कड़े फूल पत्ती लानी है, कड़े नहीं लानी, कड़े गरारी मारनी है। बहुत से लोग उसने हरियाणा का सलीम कहें, मैं इस बात को मंजूर करता हूँ। मुनीगर भाई अगर अपने मूड में रंग गाओगे, और जो सीनियर कलाकार हैं उनमें भाई सत्य फरमानिया, सत्य फरमानिया तो आगे तो फिर राम का नाम है, फिर तो उनकी तो हम आलाप की भी कोशिश करांगे ना, मन मन एक महीना लाग जाएगा, अरे फिर उस आलाप ने बदल लगा देंगे, एक महीना उसमें लाग जाएगा। ये दो कलाकार मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा सुरीले हैं, गजब गाते हैं। आज यादाश्त, क्योंकि रागनी गायन जो है यादाश्त पे टिका हुआ, जिसके को मैं याद नहीं होगा ना सुर सुर के करेगा, यादाश्त के मामले में सबसे बेहतरीन कलाकार आज हरियाणा में कौन है? यादाश्त के मामले में मैं सबसे ज़्यादा बेहतरीन कलाकार नरेंद्र दांगी भाई को मानता हूँ। सुच्चा गाना गाते हैं, पहलवान आदमी हैं, ईमानदार हैं, बेईमान नहीं, गाने में राजनीति नहीं घुसाते, और 8 मिनट की रागनी है तो वार्ता वूर्ता दे दिया अगर 10-12 मिनट में पूरी कर सकें, गणे तो गणे 8 मिनट की रागनी की 48 मिनट ना करें। बहुत से कलाकार ऐसे हैं रागनी का सौदा खराब कर देंगे, 4 कलियां में मन मान 50 मिनट की वार्ता दे देंगे, ये तो गाने के साथ खिलवाड़ है। रही अरदास्त की बात, जब तक आपको गाने का नहीं है युवराग, नहीं तो मलिक साहब बुरा मत मानियो, मैं अभी आपको थोड़ा सा दूसरे पर ले लेता हूँ। रागनी मनवाना आपका भी 200 याद पा जाए, गाल का स्वाद एक का भी नहीं हो, आपने नुए नहीं वेरा हो, जोगी वाले गीत थोड़ी हो रहे। रागनी चाहे 10 गा दो चाहे 1 गा दो, हर कंपटीशन आप पुराना कंपटीशन उठा के देखना, 1-2 रागनी ही फेवरेट है अगर पूरे कंपटीशन की, जो लोग कंपेरिजन करते थे भाई फलानी रागनी सी गाई उसके बराबर की कोई नहीं, और वह रागनी बाजा भी खूब करती। एक रागनी भी इंसान को सुपर हिट कर सकती है, बशर्ते उसके बोल, उसकी तर्ज, उसका गाने का तरीका बेस्ट हो। हाँ, जहाँ कथा का जिक्र है वहाँ आपको यादगिरी करनी पड़ेगी, आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, आप 30 रागनी गा सकते हैं और वो भी मेन सौ रुपये, गाना तो सही हो सुच्चा, नूरा कुश्ती लड़ गया पहलवान जीत लिया और 1,00,000 रुपये सकार पी लिया हो, लेकिन असली जानकार नहीं कह दिया नूरा लड़ रहा था बेटी से, जो खलीफा ना पुराने भारे कोच साहब है वे बता देंगे अच्छा हमने नहीं फेरा नूरा थी। मेन टिप तो गाना गाओ को ना, ऊपर चारी बना रहे गाया जाओ भाई, फिर पाछे से उसका सारी लक्ष्मी चंद की ग्रंथावली याद हो, मेहर सिंह किया, फिर वो प्रचारी बनो, गायक मत बनो, प्रचारी और गाने वाला अलग अलग होते हैं। फिर सत्संग भवन खोल लियो अपना, मीरबानी भी आ जाएंगी, आसाराम हर की त्रिया, आराम हर की त्रिया, धंधा भी चले जाए, उसने तो आजीविका तो मतलब लोगों को फद्दू बनाना ना। तो गायन विद्या के साथ खिलवाड़ ना करने से करने की बजाय अपना लाइन थोड़ी सी चेंज कर ले। एक और इल्ज़ाम आपके ऊपर, आप कई बार देखो जब मैं किसी के पास बैठता हूँ इंटरव्यू करता हूँ तो मैं उसी को टारगेट करता हूँ, मैं किसी दूसरे का नाम कभी नहीं लेता, कोई बुरा मत मानियो भाई, मैं सामने वाले को नाम लेके टारगेट करता हूँ चाहे उसको बुरा लगे। तो यहाँ नरेंद्र दादरी तो एक टारगेट है, आप जब स्टेज पे खड़े होते हो माइक पे जाते ही बगैर नाम लिए गालियाँ देते हो, सर ऐसा क्यों करते हो? आपने अब थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिखाया था दादा लक्ष्मीचंद के बारे में, तो उन्होंने नू जिक्र कराया, बोला भाई दादा लक्ष्मी था तू किस जा रहा था भाई, बोला सूरा ने कस्तूरी सुंगा का आया हूँ, हो सकता है ये बात आपको भी समझ में ना आई हो, इसका अर्थ क्या था आप बता दो। सूर तो कस्तूरी सिंगाने का मतलब ये हो ना, तो सूर ने नू मेरा कस्तूरी की वैल्यू है, समझ रहे हो आप बात ना, भैंस आगे बीन बजाने वाली बात है। कुछ कलाकार भाई ऐसे हैं जो सिर्फ कलाकारी में तो नाम कमा नहीं पाए, राजनीति के जरिए अपने आप को बेस्ट ऑफ हरियाणा, बेस्ट ऑफ इंडिया, बेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, बेस्ट ऑफ रागनी कल्चर प्रूफ करना चाहते हैं ज़बरदस्ती। इस बात का उन्होंने भी नहीं बेरा भाई, थारा गाना बजाना तो दूर दूर का कोई मेल नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन कितने पैसे दे दिए, कितने किसी प्रोग्राम कटवा दिए, कितने रफी दे के बैठा दिए, मनम परमन भाई दे दी, ये 2,000 रुपये मेरे राउंड में तेने देने देने, फलाने
9000 उसके रागनी मतलब बैंड से 50,000 इनाम बरसे है। बोल उसने बढ़िया ना गाई थे लोग बावले थे 50,000 भी दिए थे नूना बेरो 50 पहले देख बैठा रखे हैं। ये काम तो आपने भी करे होंगे ऐसे राग निकला कर कदे नहीं मलिक साहब कदे अपनी कौन का होगा देखो मान ली लेकिन मारे 50,000 कदे बरसे ना पहली बात तो ईजा मौका है ना आया। हाँ प्रोग्राम खूब महंगे बाज गए लेकिन मैं एक चीज को मानता हूँ एक आदमी में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई क्वालिटी होती है या तो उसकी वार्ता इतनी बढ़िया हो लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। मैं इस चीज़ ने ज़रूर महसूस करता हूँ कि जब अपने गाने में खुद स्वाद आने लग जाना तो इसका मतलब आदमी काम ठीक कर रहा है। कोई भी काम आप करो किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए उसमें आपने स्वाद आने लग जाओ भजन बंदगी है पहलवानी है गाना बजाना है जमींदारा है नौकरी है अपना मज़ा इसका मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन। मेरा भी एक मानना है आप अपना काम करो आप अपना काम करो दूसरे के में करें हुआ करनी अपनी आप सुलटेंगे आप अपने तक सीमित रखा करो स्टेज पर खड़े हो गए ऐसे ही किसी को बगैर नाम लिए गाली क्यों दिया करो। वो कई बार ये मैं आपके चैनल के माध्यम से माफी मांगना चाहता हूँ भाई जो मेरे से ये गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे से ऐसी इसमें मैं क्या कहना चाहूँगा कि मैं जिस लगन में जिस नक्षत्र में पैदा हो रहा हूँ वो स्वभाव नहीं बदल सकता और बाद में मैं भी महसूस करूँ यार यो शब्द गलत लिख रहा मुँह तेरे। हालांकि कई बार मैं कह भी दिया करूँ अपने जो रिकॉर्डिंग करने में भाई है भाई शब्द ने काट दिए लेकिन व्यू आप वाली लाइन भी इसी हो रही है अपने व्यू के चक्कर में अगले अगर नाश होता हो अपने व्यू वाले चेंज हो सरे अपना नहीं तो पहले न्यू हो जाया करती है कि यार ये चीज़ थोड़ा समाज से हटके इसको इग्नोर कर दो फर्क कुछ नहीं पड़ना। कुछ लोग इसे हैं जो एंटी पार्टी के हैं उन्होंने ये शो करना है बस नरेंद्र ने न्यू शो कर दो मार्केट में बुंडा बोला है बुंडा बोला है। हालांकि जो आदमी पूरा गाना बजाना कर रहा सुर में गा भी रहा है यादगिरी भी है और मान लो उन्हें 100 काम ठीक कर दिए और 2 याद गाल बग दी निकम्मा था तो भाई वो 100 है के पानी फेर दिया उन 2 गाला ने तो यह बात तो भाई होगी ना बस कराया खोया। अरे जब मान लो भाई मेरे तो गलती होगी मेरे तो बड़ी गलती हुई कर रही है जो उन 2 गाला ने शो कर रहे हैं। मैं तो भाई माफ़ी मांग रहा हूँ देखो चैनल के माध्यम से माफ़ी मांग रहा हूँ भाई मेरे तो आप शब्द लिखड़े नहीं लिखड़ने चाहिए हम एक सामाजिक आदमी हैं एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं पर कई बार आवेश में इंसान गलतियाँ कर जाता है और जो भी आए दिन तक कही गई भाई जीवन में हम अपने व्यवहार में सुधार करेंगे और आगे से कोई भी अश्लीलता स्टेज पर नहीं करेंगे। जब आप यंग थे ना जब आप स्टार्टिंग में आए मार्केट में तो आपकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी काफ़ी ऊंचे सुरों में आप गाते थे और जितनी लंबी हाइट उतना लंबा आप ऊंचा गाते भी थे तो उस टाइम पे तो आप लोगों को ये कहते थे इस रंग में मेरे साथ गा मेरे सुरा में गा अब आप ये कहते हो मैंने कहते सुने हो आप नकारोगे नहीं इस बात को अब आप ये कहते हो कि भाई किसी की आवाज़ इसी हो किसी की उसी हो तो सर अपने आप बदल गए। मैं बताता हूँ इसका ओरिजिनल जवाब ही देंगे जब हम जवान थे आवाज़ उस टाइम बहुत अच्छा स्केल था और उस स्केल पर गाने वाले गिने चुने थे। उम्र के हिसाब से मैच्योरिटी आती है परिपक्वता और जो हरियाणा में या रागनी कल्चर में सबसे ज़्यादा ऊंचे जो गाने वाले हैं मैं मानता हूँ या तो मुनिकर भाई है या बिल्लू भाई है या सुरेश भाई है इनसे ज़्यादा ऊंचा तो शायद कोई नहीं गाता। मास्टर जी ने गाया हमेशा सुर का गाना गाया 5वें की टीप का गाना गाया। कई जगह ऐसा होया है कि हम सुर में टूटे हर जगह नहीं होया है कई जगह होया है लेकिन कई बार क्या होता है कि मेजोरिटी हो जाती है अगले ने जो गाना गाया क्या वो क्लियर गाया। मैं कहाँ था आप थोड़े से भटको मैं वही बता रहा हूँ अगले ने गाना गा दिया टूट के मतलब भाई मारे तो इज्जत से नहीं छोड़ांगे अगले की भी नहीं और फिर उड़न नू देख लिया जा भाई मेजोरिटी इन्ने की है ये तो भाई सिंह मशीन फसवा बिना मानेंगे नहीं तो फिर नू क्या अरे अगर जड़ा भाई नाड़ी आदमी हो ना उड़ किमें किम बहाना मार काटे तो लिखड़न में पा दिया है नहीं तो छठे की टीप की ठा जो है वो करने वाले में
बहुत ज़्यादा दम चाहिए और मैं आज रियाज करता हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं 5:30 की 5 की छठे छुटे थी कि मैंने कि मतलब ला गया। जो एक ओरिजिनल जो गाना होता है, चरियाना नहीं, मन्ना जिस टाइम जो गाना गाया था, जब मैंने क्या करता अड़क गाओ, उस टाइम मैं चिर्रया है नहीं, उस टाइम मैंने उड़क गाना गाया। और मारे आगे कोई चिर्रया होगा तो वो अगला नुकते भाई मैं तो रोऊंगा, भाई तू रो ले, मार तो ना रोया जाता, राग नहीं गाओ तो गा देंगे। गाना उस टाइम हम गाते थे, हम चिर्रयाते नहीं थे। आज अगर कोई चिर्रया का गाना गा रहा है, अगले की बोल किते हैं, सेटिंग किते आधे बोल काट रहा है कि मैं लेना देना ना, बोल छोड़ दिए नीचे तो साजिंदा बोल पड़ा। एक दिन मान लो मेरी पार्टी में जो मेन दो साजिंदे ना हो, नीचे के बोल छोड़ने वाला मेरे दूर सिस्टम ना बचा, उड़ो मैं क्या करूँगा, उड़े तो नहीं कहूँगा भाई हमारे बस किते नहीं है भाई, हम तो अड़े गा सका। हाँ ये नहीं है कि मैं हर जगह ये कहूँगा, आज मेरा ताप चढ़ रहा है, आज दंगल मन मार गए, फिर तड़के परसों जब आप टकराओगे तो मैं कोशिश करूँगा आपका ब्याज सुधा देने की। नो नहीं भाई, पवन मलिक मैंने जब भी मिला मैंने सारी आना उस हाथ जोड़ने पड़ेंगे, या मैं नहीं कहूँगा पवन मलिक की आई टी इतनी है, मेरी आई टी इतनी, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। पवन मलिक अगर सुर का गाना गाएगा तो पवन मलिक के साथ सुर में ही गाने की कोशिश करेंगे। एक बात और, ये जो रंगकाट का दौर जब से चला है तब से एक चीज़ और काफ़ी महसूस करी है, पब्लिक ने भी करी है, हमारे जो रागनी कलाकार हैं, हमारे कल्चर में जो रागनी कलाकार हैं, वो हमेशा एक दूसरे की बेइज्जती करने पर तुले रहते हैं। रंग में करो, चुटकले सुना कर करो, या वैसे कैसे भी किसी भी तरीके से सोते हैं कि भाई यहाँ अगर 10 जने आ रहे हैं ना तो इनमें से मैं सुपर रहूँ हर हाल में, चाहे वो कैसे भी करके करा जावे, बेइज्जती करके करूँ, रंग काट सुना कर करूँ, सुर काट सुना कर करूँ, या चुटकले सुना करूँ, मतलब क्या भाईचारा कोई चीज़ मायने नहीं रखती क्या? आप लोगों के बीच भाईचारा कभी बनेगा ही नहीं, आप कहते हो वो मेरा भाई है, यो मेरा नू भाई है, लेकिन जब खड़े होते हो तो भाईचारा गया बाड़ में, फिर उसको रगड़ देते हो जैसे तैसे। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न कराया है, बड़ा गजब का है, और ये संदेश भी जाओगा कलाकारों तक भी जाओगा, पब्लिक तक भी जाओगा। वो मेजोरिटी वाली बात में थोड़ी देर पहले भी कर रहा था, कुछ कलाकार तो ऐसे हैं मार्केट में जिन्होंने जातिवाद बहुत ज़्यादा फैलाया, उसको बढ़ावा दिया है। आज से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 साल पहले लगा लो, किसी भी एरिया में किसी की भी रागनी कोई गा दिया करता, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था। आज आप चले जाओ एरिया के हिसाब के कवि की रागनी आप न गानी पड़ेगी, आपकी बिरादरी का कवि होगा उसकी रागनी आप न गानी आपकी मजबूरी बन जाएगी। भाई ये किस बात का प्रेशर है कलाकार के ऊपर, उसने फायदा लागेगा, उसके प्रोग्राम बढ़ते लागेंगे, वो अपने आप याद करेगा उसने कर्ज होगी, तो जबरदस्ती क्यों गवा रहे हो? ये भी बोला जाता है इस रागनी में इसकी छाप लानी पड़ेगी, बड़े मुकदमे चल रहे हैं, हमारे पास बड़े फोन आते हैं, फलाने कवि की रागनी गा दे इसकी छाप लगा गए, मगर 2,000 रुपये बचेंगे वे मेरे तारीखा में लगवा दियो। ये भाईचारा बिगाड़ने वाली इसमें मैं भी आ लिया, कुछ सियाणे जो डेढ़ सियाणे ओवर क्लेवर जो आदमी होते हुए क्या करेंगे, मेरे तो आगे नहीं कहेंगे आज पवन का गंडा बांधना है तेरे बारे में, न्यू कह था मन ने पहले वेरीफिकेशन करे बगैर, जांच पड़ताल करे बगैर पवन के मन में गुंडी बना ली। पवन तो न्यू कह दी, नरेंद्र ने कहा था आज लोग जाऊँगा, उसने उड़े बना ली। फिर कुछ कलाकार ने सोचे हैं यार इस एरिया में तेरी हवा आ जानी चाहिए तो तेरे प्रोग्राम बद जाएंगे, पछले न सोच जाए कद इस एरिया तो तू कट जा इसकी पैठ बन जा, एक दूसरे के लत्ते तारण पर लागे रहे, जबकि पब्लिक स्वादु है, पब्लिक किसी की नहीं है, कोई सरकार आ लो कोई कलाकार आ लो, चलती का नाम गाड़ी है, जब तक आपकी गाड़ी चल रही है सवार हो जाएंगे, जिस दिन आपकी गाड़ी ठप होगी धक्का मारनिया कोई नहीं आवा, गाड़ी में बैठे उतर के चल देंगे। ये कलाकारों को भी समझना होगा कि भाई बिना बात की लड़ाई में कुछ नहीं दे रहा, जो भाग का वो मिल लगा, किसी की बेइज्जती करने में कुछ नहीं आया। हाँ कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जड़े जो मलंग पार्टी होती है ना, जड़े न्यू होने चाहिए, वो किलकिए किलकिया नकलम नकला उड़े फिर वो आप वाली बात आ जाए। जो ये हमारे चैनल वाले भाई हैं इन नवीन सोचना चाहिए, कुछ जो बात बगड़ के मतलब की थी या दंगल के मतलब की थी उनको वहीं तक सीमित रखा जाए, ये अपने व्यू के चक्कर में। मैं इसे भी चैनल का नाम बता दूँगा, अगर जरा एंडी रागनी गाई भाण भाई बाप बेटा चाचा ताऊ सब सुनो, वे रिकॉर्ड कर करना डाली आज थी,
हर एक नरेंद्र ने या पवन ने या भाई और किसी ने थर्ड पार्टी ने थोड़ा उसा चुटकला कह दिया, वो वायरल कर दिया। जब कड़े चले गए थे वही चैनल वाले अपनी टीआरपी के चक्कर में, मीडिया भी बिकाऊ हो रही है, अपने फायदे के चक्कर में दूसरे की हवा खराब कर रहे हो तुम। अरे तुम दूसरे की आज हवा खराब करोगे तड़के थारी भी हवा खराब होगी। बिल्कुल राइट बात है, गलत चीज़ को तो समाज में लेके आना, पहले तो आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है ऐसे वर्ड मत बोला करो जो समाज को ठेस पहुँचावें। लेकिन अगर आप लोग नहीं मान रहे तो कम से कम मीडिया वाले भाइयों को जो ये चीज़ें रिकॉर्ड करके डालते हैं उनको भी सोचना चाहिए। मलिक साहब मैंने इसमें एक बात डाली हुआ, देखो अब मान के चलो 50 जने आप सेगड़े बैठे हैं, उड़ा हमने मजाक कर लिया, हम उम्र से सारे अरुण ने भी कहते भाई स्वाद आना चाहिए भाई बढ़िया नई नई तर्ज सुना दो, तो वो हम समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो हम भाईचारे को रिप्रेजेंट कर रहे, एक मनोरंजन कर रहे हैं। और उड़े किसी भाई ने अपना कैमरा भी लगा दिया भाई नई नई तर्ज से रिकॉर्ड करके साफ सुथरी घेर दिए, और वो आपस में नीचे तो आपने मेरे नकल मार दी, मन ने एक नकल आप मार दी, यार वो चीज़ दिखाने को जरूरत नहीं ना समाज में। वो समाज में तो प्रोग्राम नहीं था ना, वो तो एक बगड़ का प्रोग्राम था, एक खेत का प्रोग्राम था, एक घेर का प्रोग्राम था, एक स्टूडियो प्रोग्राम था, तो उस चीज़ को बचाया भी जा सकता था। लेकिन वो बात है भाई जलती आग में पेट्रोल घेरना। हाँ ये कलाकारों को और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा कि भाई तुम कहो नहीं घेरा, जब भी थारी एडिटिंग करके थारे पे बुराई बन जाएगी, इससे अच्छा तो ये हो अपना आपा बचा लो भाई, फिर यूट्यूब वाले सुधरो चमत सुधरो, जब तुम कि मैं घेरो ना आगे कि मैं कहो ना आगे, तब भाई घनी ही ये भी शान पता ना जानते, ये भी लोकल से है सारे हमारे भाई हैं, कुछ इसे भी हैं जो एडिटिंग भी करते हैं, सही में भी वही बात है वायरस सब पाव है एक आधा ऐसा है, अगर वो उस काम में करे बिना मानता नहीं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र करा, आपका फेवरेट कलाकार जिसको बहुत ज़्यादा याददाश्त होती है, आपने भाई नरेंद्र दांगी का नाम लिया, तो आपको कितनी याददाश्त है, आप कितनी रागनियाँ याद मतलब कर रहे हो, मान लो लगातार 10 दिन प्रोग्राम बाजे की था, एक ही जगह 10 दिन प्रोग्राम होता हो, रोज़ अलग अलग रागनियाँ सुनानी हो, अकेले नरेंद्र दादरी तो इन्हें सुनानी हो, तो क्या आप वो हैंडल कर पाओगे? ज़रूर मलिक साहब, एक जगह लगातार 10 दिन प्रोग्राम हो, एक लामन नारा नारा किस्सा लगातार 10 दिन, और परमात्मा का माई रानी का अगर आशीर्वाद रहे तो मैन सुरत है, एक किस्से की कम से कम 20 से 25 रागनी जरूर गाऊंगा और मैन सुर से गाऊंगा। ये याददाश्त है? हाँ जी। अच्छा जो नए रंगों की बातें आती हैं, लोग जानते हैं नरेंद्र दादरी तोय को नए रंग लेके आने में बहुत माहिर है, तो कैसे एडजस्ट कर पाते हो, कहाँ से लेके आते हो, कैसे सोचते हो ये रंग, कौन आपकी मदद करता है, कैसे रियाज करते हो इनका? वैसे तो भाई उस्ताद लोग हैं जो पार्टी में जो बंदे होते हैं वो सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, फिर मेरे परिवार में भी ये संगीत का ये माहौल रहा है, टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब पर गाने सुन रहे हैं, कोई मास्टर जी की पुरानी रागनी सुन ली, या कोई गाना जैसे हम लिटिल चैम्स आता है, इंडियन आइडल आता है, ये सारे प्रोग्राम हर प्रोग्राम देखते हैं, और जहाँ भी हमारे सामने कोई पिक्चर में अच्छा गाना आ गया तो यश भी इस मामले में बड़ा बेटा बहुत मदद करता है, वो भी अक्सर जैसे दुकान पर गाने सुन रहा है या कोई प्रोग्राम देख रहा है, उसका फ़ोन आओ पापा फलाना गाना सुने, मगा भेज भाई लिंक भेज, ऐसे ही साजिंदे हैं जो अच्छे साजिंदे हैं जिनका इस चीज़ में ध्यान रहे, वे इस बात न करें, जैसे मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ बाई चांस ड्राइव कर रहे हैं, कहीं भी मूवी देख रहे हैं, कोई भी लगा लो आप ध्यान में आ गया उसकी तर्ज हमारे रेंज में है तो वो हम सुनते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि इस पर क्या गाया जा, तो कुछ तर्जे ऐसी सेट हो जाते हैं अब वे अपने आप में फिर एक ये समझो मिसाल बन जाती हैं, तो बस यही तैयारी होती है कि पुरानी रागनी पे सेट कर लें, कई बार ऐसा होता है कि पुरानी रागनी बोल सेट ना होते हो तो नई रागनी बना लें, एक मेरा शिष्य है संदीप दुलेड़ा एयरफोर्स में है, वो इस चीज़ में बड़ा वो है, उसकी मैंने कई रागनियाँ भी गाई, वो भी कई बार फ़ोन करके भेजता रहा गुरुजी फलाना गाना सुन के देखियो मनाज सुनया, तो 10-5 आदमी जब एक टच में हो जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है उनका ये इस चीज़ पे फोकस होता है, तो उसमें सुधार फिर होना ज़रूरी हो जाए। जैसे कवियों की बात आती है, जो हमारे पुराने कवि थे वो तो सिरमौड़ थे, उनसे तो आगे कुछ है नहीं, लेकिन आज इस माहौल में भी कुछ कवि आपको ऐसे लगते हैं जो अच्छा लगते हैं, सब भय लगते हैं और आपको पसंद है? आज के माहौल में देखो ये सच्चाई है, जैसे भाई सुखबीर बड़म्बा बड़ी अच्छी अच्छी रागनी लिखते हैं, एक हमारे भाई हैं रुखी से,
वो बड़े अच्छे लिखते हैं, सोमवीर रुखी। और भी कई कवि ऐसे हैं भाई, अपना मास्टर जी हैं लाखन माजरा से, उनके पिताजी भी हैं कपिंदर भाई जी, और उनके पिताजी हैं, बड़ी सभ्य बातें लिखते हैं, सामाजिक बातें लिखते हैं, और एक सच्चा सेवा करने वाला देश की तैलान साहब फौजी भाई है, बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं और ऐसे ऐसे तथ्यों पर लिखते हैं जो समाज के अंदर जिनके प्रति हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। उनके कई गीत मैंने गाए, हालांकि रिकॉर्डिंग में ज़्यादा गा रखी है स्टूडियो में। तैलान साहब बड़े गजब के इंसान हैं, उनकी सोच भी बड़ी ऊपर की है, और सबसे बड़ी बात हमारे देश के सच्चे सिपाही हैं। तो इन आदमियों का जो जज्बा है वो समाज में एक अच्छाई लाने का है। उन इस बात तो को मतलब नहीं थारी तरजी टोगी उनका, उन इस बात तो मतलब समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा इस चीज़ पे। तो आप इनकी कविता याद करो, कभी भी गाओ, कोई बात ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। जो कवियों का आपने जो जकरा कराया, जैसे हमारे गुरुजी श्री सुखबीर सिंह बड़मबाजी हैं, तो इन और भी कई कवियों का आपने नाम लिया, क्या ये अपनी कविता ही आपको देते हैं तो इन इसका प्राइज लेते हैं क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी जिक्र भी नहीं हुआ। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वे इस बात को महसूस करते हैं कि नरेंद्र भाई हमारी कविता गाने में सक्षम है, आशीर्वाद स्वरूप। सुखबीर जी तो हमारे गुरुतुल्य लगाओ, आप बहुत उम्र में बड़े हैं, और बाकी कविंदर भाई जी हैं, तलान साहब हैं, ये उम्र में छोटे हैं। ऐसा कभी नहीं होता, सिर्फ उनका ये होता है कि भाई हमारी कविता ही अच्छी है, आप पढ़ो इसको और अच्छी लगे तो इसको गाना, चार आदमी सुने तो ये कहें यार अच्छी रागनी का, ये अच्छी बात समाज में एक अच्छा संदेश दिया। बाकी इनका कोई मेहनत नामक कोई नहीं होता। बहुत बढ़िया सब कुछ, ये भी एक देश की सेवा है, अच्छा संदेश देने लाग रहे हैं, अच्छी चीज़ें लेके आऊँ, इनको भी मैं नमस्कार करता हूँ सबको। तो जैसे नरेंद्र भाई एक रागनी कलाकार के पास बैठें, एक घंटा उनसे विचार विमर्श करें, उनको समाज के सामने लेके आऊँ, उनकी जो छुपी हुई बातें हैं, जो उनके अंदर छुपी हैं, जो वो बाहर निकालना चाहते हैं अपनी भड़ास, वो निकलवाएं हैं, उस दौरान अगर हम एक दो रागनी हमारे मतलब भाई इतनी लड़ाई कर ली हमने तब से आपके साथ लग रहे हैं, तो अब उनको वापसी उसी मूड में लेके आना कि भाई हम कलाकार के पास बैठे हैं, यहाँ कोई अदालत नहीं चल रही, हम बस बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, तो एक रागनी तो बना है, आपका क्या मानना है? रागनी एक नहीं मलिक साहब, दो भी सुनाओगे, तीन भी सुनाओगे, बल्कि मैं आज इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। आपका इंटरव्यू लेने का जो एक तरीका है ना, आप इसने मुँह को बड़ाई मत मानियो। एक आता है रजत शर्मा जी हमारे, आपकी अदालत है। मैंने ऐसा महसूस करा जैसे मैं रजत शर्मा के सामने आपकी अदालत में खड़ा हूँ। ये इंटरव्यू को ये नहीं है कि नरेंद्र के घर पास आए हैं तो उसकी बड़ाई करनी है, ये वो इंटरव्यू है जिसमें वे बातें पूछी जाती है जो समाज जानना चाहता है, और जो आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं, आप उस बात को कितना एग्री करते हो, कितनी आप झूठ बोलते हो, कितनी सफाई देते हो, समझ तो इंटरव्यू लेने वाला भी जाता है, लेकिन मज़ा आया। और रही रागनी की बात, रागनी आपको सुनाते हैं। जैसा कि दादा नरेंद्र दादरी तो इन्हें तारीफ करी, थैंक यू दादा, लेकिन जिनका आपने नाम लिया वो भी हमारे गुरु जी मान लो, रजत शर्मा जी बड़े महान, मैं उनका फैन हूँ, और उनके तो वो आप रागनी कलाकार नहीं कहते, मैं तो बोले चरणा की धूल भी नहीं थोड़ी सी आप जैसे सीखे हो हम तो उनकी वो धूल के दौरे का भी नहीं लग रहे, उनका आशीर्वाद तो मैं उनसे कभी, मैं तो टीवी पे देखता हूँ। थैंक यू आपने उनके साथ कंपेयर करा, थैंक यू। कोई बात नहीं, आप उस लायक, आप वो कह दिया है ना अंग्रेजी में यू डिजर्व इट, तो आप इस चीज़ को, ऐसी बात नहीं है। चलो एक मेरी रागनी है, वैसे मैंने एक ही जगह गाई है, उसकी रिकॉर्डिंग हुई थी लेकिन वो आई नहीं मार्केट में, शायद तर्ज सुनी होगी, लेकिन वो अपने ज़माने की सुपरहिट रागनी है। वो रागनी मैं आपको सुनाता हूँ। वेलकम सर। ये रे एक में दिखा
डहराम रो जिंदगानी में खो आज कितसी में तो मन छोड़ गई वो मर गई बेईमान मर गई बेईमान रे मोड़ गई बेईमान के रंधारो डेर में एक बैद दिखा दे अपनी शान के रंधारो डेर में। बिल्कुल गजब कर दिया, रूह को जगा दिया, बहुत बढ़िया गाना गाया। थैंक यू पंडित जी, बहुत बढ़िया गाना। और मैं जब भी किसी कलाकार के पास जाता हूँ तो देखो एंटिक तो सारे होते हैं, अपनी अपनी कला में सारे माहिर होते हैं, तो लास्ट में जब पूरा इंटरव्यू में रोड़ा हो ले है ना, उसके बाद जब ये मोड आता है तो मज़ा आ जाता है। तो आपका भी थैंक यू और सारे का थैंक यू जो इतना बढ़िया मनोरंजन लास्ट में करवाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। मैं यही मानता हूँ कि गाने के माध्यम से अगर इंसान सच्ची आत्मा से गाना गाए और सुर का गाना गाए तो परमात्मा का भजन भी हो जाए और रोजगार भी मिल जाए, घर भी खुश, हर भी खुश, धन अतिथि खुश। तो भाई, तो आप लोगों का आशीर्वाद मैं चाहता हूँ कि ताउम्र मेरे जितने भी प्रेम करने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, मान सम्मान देते हैं, वे हमेशा मेरे ऊपर मेरे परिवार के ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहें। और जाने अनजाने अगर कोई भूल से भी भूल हुई है तो क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं और इंसान गलती कर देता है कई बार, उसको महसूस नहीं होता लेकिन वक्त याद दिला देता है कि ये गलत किया। तो अगर कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल होया हो या स्टेज पे कोई ऐसी परफॉर्मेंस हुई हो जिससे मेरे चाहने वाले को या किसी आम श्रोता को भी कोई ठेस पहुँची है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि भाई मुझे माफ़ करें, आगे से हम अपने सुधार करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है मासी जी ने। तो ये थे हरियाणा के एक स्टार रागनी कलाकार रंग काट के बादशाह, नई तर्जों के भी बादशाह, वो भी बिल्कुल नई तर्ज जैसे अभी सुनाई, ऐसे ही नई तर्जें पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में आती हैं, लेके आते हैं एंटिक चीज़ें। महाशय नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र भारद्वाज, दादरी तोय जिला झज्जर से, जिनसे आज हम रूबरू हुए, मज़ा आया और मन भी मज़ा आया। अगर जिनके खिलाफ़ मेरे पास कुछ खास मसाला होता है उनके पास जब मैं जाता हूँ तो मैं सोचता रहता हूँ, वहाँ तक पहुँचता हूँ कि भाई उनका कैसा रिएक्ट होगा जब मैं ऐसी क्वेश्चंस ऐसी बातें उनके एंटिक करूँगा। तो भाई साहब ने भी बहुत बढ़िया अपना बचाव कराया और सबका सभी अपना बचाव करते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, डिफेंस तो हर कोई करता है, वो अपना बहुत बढ़िया कराया। तो अगले किसी एपिसोड में ऐसे ही किसी कलाकार का, किसी खिलाड़ी का या किसी खास एंटिक आदमी का इंटरव्यू हम अपने चैनल पर लेके आऊँगे। तब तक के लिए चलन दिए भाई, बंद ना करिए, ऊपर नाथ ना कराए। तो तब तक के लिए वेट करो और नए प्यार बनाते रहियो भाई, नए प्यार देते रहियो। शर्मा जी आपका भी धन्यवाद जो इतनी देर मेरे को झेलिया, इतना सुरीला गाना सुनाया, मेरे अटपटे सवालों के जवाब दिए। ये मेरा सौभाग्य है मलिक साहब, गाना तो जब तक गावा भी नहीं तो कोई सुनेगा के, और आपके चैनल के माध्यम से आज गाना हो गया तो ये भी मेरे लिए बड़ा खुशी का लम्हा है। और आप आए ये समझो भाई सुदामा के घर कृष्ण भगवान आ गए और आप लोगों का प्यार दुलार है। कलाकार जो है मैं बताता हूँ, एक कलाकार से भावुक इस सृष्टि पे कोई इंसान हो ही नहीं सकता, शायद परमात्मा ही हो सकते हैं। कलाकार ने एक बार थोड़ा सा नूं मिल जाओ अगर बहुत बढ़िया गाया था ना, वो बेचारा इस चक्कर में मैंने माना कई दिन काट देगा अगर फलाना आदमी कहा था ना बढ़िया गाया। तो हमारा तो मन ऐसा होता है जैसे बच्चे का, चिड़िया का, तो हमने तो चार आदमी ने कह दे ना तो बढ़िया गा दिया, तो कलाकार तो उस समय खुश हो जाए। तो आप लोगों का प्यार है, समाज का मान सम्मान है, बड़ा का आशीर्वाद है, यही अरदास रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, याचना है भैया, प्यार प्रेम बनाए रखना, जिंदगी नुमा चलती रहेगी। एक तगड़ी सी राम राम हमारे आपकी जो फैन फॉलोइंग है और हमारे जो दर्शक हैं उनको एक तगड़ी हरण भी तगड़ी राम राम। भाई जितने भी ये मेरे अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी हरियाणवी संस्कृति से प्रेम करने वाले हैं, जितने भी आशीर्वाद देने वाले हैं, रागनी प्रेमी हैं, कला प्रेमी हैं,
नरेंद्र दादरी तोये की तरफ से सब भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम, प्यार भरा नमस्कार सब भाइयों ने। आने वाले दशहरे की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू दादा। तो सारे भैया ने राम राम भाई, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।